फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज के इस फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी है और एक कन्फ्यूजन भी इसे कह सकते हैं, जिसके वजह से आप लोगों को फोटोशॉप में काम करने में दिक्कतें आती हैं। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स में कहा है कि सबके सब चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर रखा है कि इसमें बहुत ही डिटेलिंग में फोटोशॉप बताई जा रही है। तो आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से फोटोशॉप के हर एक टॉपिक को मैं डिस्कस करता हूं, इसी तरह से आने वाले और भी सॉफ्टवेयर्स होंगे, फॉर एग्जांपल इनडिजाइन, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स और इलस्ट्रेटर वगैरह, इन सभी चीजों को वन बाय वन वैसे लाने वाला हूं। लेकिन यहां यूट्यूब चैनल पर सभी चीजें तो पॉसिबल नहीं हो सकती है। अगर आप चाहते हैं इन चीजों में मास्टर बनना, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे प्रीमियम क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए या मेरे इंस्टीट्यूट में आकर एडमिशन ले सकते हैं आप अपना करियर बेहतर बनाने के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जब भी चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि कन्फ्यूजन क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे ये एक डॉक्यूमेंट हमने लिया हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ हमने रेक्टेंगल बनाया है और ये रेक्टेंगल पिंक कलर से फिल किया हुआ है। अगर मैं शेप टूल पर जाता हूँ और यहाँ से कोई भी रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर शेप नहीं बन रहा है, ये पिक्सल्स में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरी चीज़, ये हमने कलर ग्रे रखा हुआ है लेकिन यहाँ पर पिंक कलर आ रहा है, ऐसा क्यों? तो पहली चीज़ तो आपको ये समझना होगा कि ये जो ऑप्शन इसके दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पिक्सल्स सिलेक्टेड है, आपको यहाँ से शेप में कन्वर्ट करना होगा। जैसे ही शेप में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का मैसेज आप लोगों के पास भी आता है, यही स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने दिया है। यानी ये कह रहा है कि आप अपने इमेज को RGB में कन्वर्ट करें, तभी ये पिक्सल से शेप में हो सकता है। अगर मैं इसे ओके करता हूँ, अब आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ से डिज़ाइन कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा है, ये इसी पर मर्ज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पिक्सल से शेप में यहाँ से चेंज करने की कोशिश करता हूँ तब भी चेंज नहीं होता है, और यही प्रॉब्लम आप लोगों के साथ हो रहा है। दूसरी चीज़ हमने कहा था कि यहाँ पर ग्रे कलर है, अगर मैं यहाँ से क्लिक करके कोई दूसरा कलर सेलेक्ट करता हूँ तब भी ये कलर चेंज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वहाँ से मल्टी चैनल सेलेक्टेड है। बहुत बार ग्रे स्केल सिलेक्टेड होता है, लेकिन ग्रे स्केल तब सिलेक्टेड होता है जब आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। फाइल में जाकर न्यू डॉक्यूमेंट जब यहाँ से ओपन करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ग्रे स्केल, बिटमैप, RGB, CMYK, लैब कलर, ये पांच ऑप्शंस ही आपको दिखाई देता है। लेकिन कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं जो डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद दिखाई देता है, वो यहाँ पर नहीं मिलता है। उसको देखने के लिए आपको जाना होगा इमेज में। यहाँ देखिए इमेज है, इमेज के अंदर मोड है, मोड के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो मल्टी चैनल सिलेक्टेड है। जब मल्टी चैनल सिलेक्टेड होगा तब यहाँ से दिक्कत ये होगी कि आप कोई भी कलर फिल करेंगे, वो चैनल के थ्रू से कलर अपने आप दूसरा फिल हो जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ चैनल में जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये देखिए मैजेंटा है यहाँ पर। जब मल्टी चैनल वहां सिलेक्टेड होगा तो आपको श्यान, मजेंटा और येलो दिखाई देगा, लेकिन RGB जब सिलेक्ट करके रखते हैं तो आपको रेड, ग्रीन और ब्लू दिखाई देता है। तो आपको यही समझना होगा कि मेरा जो मोड है वो कौन सा सिलेक्टेड है। अब मैं यहां से इन सभी को ऑन करके मोड को चेंज करता हूं। देखिए मोड में यहां से कन्वर्ट कर लेते हैं RGB, फिर देखिए क्या होता है। अब मैं शेप टूल पर हूं और यहां से कोई भी शेप बनाता हूं, ये देखिए ऑटोमेटिकली शेप बन गया है और कलर भी जो यहां पर फिल है वही कलर आ गया है। अब अगर मैं यहां से कोई भी कलर फिल करना चाहूं, अगर मैं ग्रीन करता हूं तो देखिए ग्रीन फिल हो रहा है। तो ये एक कन्फ्यूज़न ऐसा था जो सबके साथ दिक्कतें आ रही थी। अब एक कन्फ्यूज़न और भी है जो कुछ लोगों के साथ होती है। जैसे अगर आपने कुछ शेप क्रिएट किया, यहाँ पर कोई भी शेप आपने क्रिएट किया और गलती से ये सभी मर्ज हो जाते हैं, उस कंडीशन में आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए होता है कि इमेज में मोड के अंदर यहाँ पर बिट्स होते हैं, आपका सिलेक्टेड है 8 बिट, लेकिन गलती से हो सकता है कि 32 बिट हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली फ्लैटन इमेज बन जाती है जो पिक्सल बेस होती है। इस कंडीशन में अगर आप कुछ भी इस तरह से बनाएंगे तो ये फ्लैटन इमेज ही रहेगी, एक ही लेयर पर काम करते रहेगी। दूसरा यह है कि आप यहां से लेयर ले भी नहीं सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों का जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। कुछ और भी डाउट्स है
तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कम से कम जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लिया करें। कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं मुझसे तो कॉन्टैक्ट कीजिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अभी भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।